प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आगरा में। निकाह के 2 घंटे बाद 3 तलाक का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक शादी में कार नहीं मिलने पर दूल्हा और उसके परिजन नाराज हो गए और निकाह के 2 घंटे बाद होटल में 3 तलाक दे दिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हा पक्ष निकाह के बाद कार की मांग करने लगे। जब लड़की पक्ष ने कार देने से इनकार कर दिया तो दूल्हा आसिफ ने सभी के सामने 3 बार तलाक बोल दिया। और इतना ही नहीं, सोने चांदी के आभूषण और कैश लेकर लड़का पक्ष फरार हो गया है। ताजगंज थाने में आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अंत के अंदर इनकी मुन्नी देवी जो आसिफ की माँ है, उन्होंने कहा कि हमें तो लग्जरी गाड़ी चाहिए थी, इतने पैसे में हमारा क्या हो पाएगा। हम लोग यहाँ तो शादी करोड़ों में होती हैं, आप लोग तो ये ऐसे हम नहीं हो पाएंगे, हम तो बारात लेकर जा रहे हैं। हमने तमाम सारी मिन्नतें की, हाथ पैर भी जोड़े, तो उन लोगों ने खूब सारी अभद्रता की। उल्टी सीधी बात है कि सामान वामान भी हमारे साथ फेंक दिया। उसके बाद जो है लड़के ने निकाह के 2 घंटे के बाद ही तलाक दिया और तलाक देकर वहाँ से बारात को लेकर फरार हो गया। मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल हुई। 4 बजे हुआ निकाह और 6 बजे हुआ 3 तलाक। जी हाँ, सुनने में जरूर अटपटा लगेगा लेकिन ये सच है। आगरा में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। बीते दिनों थाना ताजगंज क्षेत्र के प्रियांशु गार्डन में 2 बहनों की शादी हुई। एक बहन का निकाह करके विदा हो गई तो दूसरी बहन की विदाई का जब समय आया तो लड़के पक्ष के द्वारा एक अलग ही मांग कर दी गई। लड़की पक्ष का आरोप है कि विदाई के समय पर लड़के पक्ष के द्वारा एक लग्जरी कार की डिमांड की गई। हालांकि इतना ही नहीं, लड़की पक्ष ने शादी के समय पर सोने चांदी के जेवरात के साथ ही 7 लाख रुपए कैश, 1 लाख रुपया मंगनी में और कई जरूरत का सामान दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी लड़का पक्ष का मुंह सीधा नहीं हुआ और उन्होंने निकाह के बाद लग्जरी गाड़ी की डिमांड कर डाली। जब डिमांड लड़की पक्ष ने नहीं मानी तो उन्होंने भरे माहौल के अंदर होटल के अंदर ही 2 घंटे के बाद ही 3 तलाक दे दिया। काफी उनको मनाने का प्रयास किया गया, लड़की पक्ष के द्वारा अपनी पगड़ी उनके पैरों में डाल दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग नहीं माने। लड़की पक्ष का आरोप है कि जो उन्होंने निकाह के बाद सोने चांदी के आभूषण और जो कैश दिया था वह लेकर भी वह लोग वहां से रवाना हो गए और लड़की को विदा कराकर। सीतापुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक यहां हिंदुओं को एक विशेष समुदाय में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के साथ साथ आप बता दें गांव भी पहुंचे वो और धर्मांतरण रुकवाया है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से उनका वाद विवाद भी हो गया और हाथापाई भी हुई। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामला अटरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहां पर देखा कि उनके घर के ऊपर जो है कुछ मजार टाइप का बना हुआ है, ऊपर से तंबू जैसा बना हुआ है, झंडे लगे हुए हैं। मुस्लिम विशेष समुदाय के लोग हैं वहां, भभूत मिला करके बोले थे कि शरबत है इसको पियो, इस टाइप की बातें आ रही थी। जिसके बाद जो है बजरंग दल पूरी टीम वहां पर पहुंचती है, उसको रुकवाती है, पुलिस प्रशासन को इस मामले की सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। फिलहाल हमारे अन्य जिले के पदाधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं और लिखित तहरीर दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग। एक्चुअल में एक बहुत ही पारिवारिक मामला था ये। इसमें सूचना प्राप्त हुई अटरिया में कि रामपुर टड़वा गांव में एक सूरज रावत का परिवार है, उनके घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी पुलिस मौके पर गई थी, जानकारी भी कि उनके जहां पूजा पाठ होता उसके बगल में ही भगवान राम के हनुमान जी की मूर्ति भी रखी हुई थी और वो लोग कभी किछौछा शरीफ गए होंगे, उसकी फोटो लगा के वो लोग उसकी कुछ आरती पूजा कर रहे थे। इस बात को लेकर कुछ लोग गाँव पे घर पे गए थे, उनको विरोध किया और बाद में हमारी पुलिस दोनों को हिरासत में ले आई थी और बाद में उसे बातचीत हुई। श्री सिधौली को मौके पर भेजा गया है, उसकी पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो तथ्य प्रकाश आएगा उस पर लोग से भी कार्रवाई करेंगे। कुशीनगर में दारोगा पति से धोखा खाई पत्नी धरने पर बैठी है। वो 2 दिनों से पति के दरवाजे पर धरना दे रही है। आरोप के मुताबिक दारोगा बनने के बाद पति ने उससे किनारा कर लिया। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए ट्रेनी दारोगा और लड़की में दोस्ती हुई थी।
इसके बाद दोनों ने गोरखनाथ मंदिर में कोर्ट मैरिज और लव मैरिज भी किया था। कुछ दिन बाद ससुराल ले जाने का वायदा कर दारोगा लापता हो गया और 3 साल तक इंतजार करने के बाद महिला ससुराल पहुंचकर धरने पर बैठी है। इसके बाद उसके ससुराल वाले घर में ताला बंद कर फरार हो गया है। ट्रेनी दारोगा के इंतजार में महिला धरने पर बैठी है। अलीगढ़ में जल निगम के जीएम का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। स्थानीय पार्षद और जीएम के बीच अभद्रता का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में दोनों की तरफ से थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जब दैवीय आपदा से जूझ रहे लोगों ने जल निगम के जीएम अनवर खान से सवाल पूछे तो उन्होंने लोगों को समझाने के बजाय ड्रामा शुरू कर दिया। वो लोगों से मुझे मारो मुझे पीटो कहते हुए रोड साइड पड़ी कीचड़ में जा गिरे। ये वार्ड नंबर 36 का मतलब मिलता हुआ एरिया है, वार्ड नंबर 36 इधर है और ये 68 ऐसा है। गोविंद नगर, ये गोविंद नगर वाली पुलिया है। ये यहाँ पे पानी इतना भर रहा है कि इसका नाला टूट के कॉलोनियों में चला गया है। जहाँ कच्चे मकान है वहाँ बच्चों की दुर्घटना हो गई है, उन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस में पहुँचाया गया है। सुबह 2 मंजिल मकान गिर गया है वहाँ पे। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे, 5 टोटल 4-5 बच्चे थे वहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 घंटे बारिश हो जाए, 1-2 घंटे बारिश हो जाए तो यहाँ की स्थिति यही हो जाती है। ये गोविंद नगर वाला पुलिया है, ये मतलब टूट जाता है और ये कॉलोनियों में पानी चला जाता है। जिसके कारण जल निगम के जीएम और पार्षद के बीच विवाद हो गया। जल निगम के जीएम द्वारा पार्षद पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं तथा पार्षद द्वारा जल निगम के जीएम पर छेड़छाड़ तथा मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एसपी के बाद अब उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल के पूर्व मेयर प्रत्याशी ने टमाटर का शिवलिंग बनाकर अनोखी पूजा की है और ये पूजा उस वक्त चर्चा में आई जब मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूजा को रुकवाने की कोशिश की। अपना दल के नेताओं ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बाहर स्थित प्राचीन मंदिर में टमाटर का शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक की है। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ टमाटर के शिवलिंग पर फूल माला अर्पित कर जलाभिषेक करना शुरू किया। पूजा के बाद टमाटर को प्रसाद के रूप में अलग अलग दुकानों में बांटा गया। हमने टमाटर के शिवलिंग का निर्माण किया, अभिषेक किया, पूजा किया, आरती किया और बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना किया कि न सरकार कम कर पा रही है न जिला प्रशासन पकड़ पा रही है, हे बाबा विश्वनाथ टमाटर का दाम जल्द से जल्द कम किया जाए। पूजा कर रहे थे, जिला प्रशासन जबरदस्ती उठा ले गए। हिंदू धर्मवादी सरकार होने के बावजूद पूजा, बाबा विश्वनाथ की आरती चल रही थी, घसीट के कह रहा थाने ले चलो, पूजा करने को थाने जाएंगे? योगी बाबा को जवाब देना होगा इसका। और बनारस के हर चट्टी चौराहे पर शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजा करेंगे, देखते हैं कौन हमारे धर्म और आस्था पर तमाचा मारता और कौन सा पुलिसिया डंडा चलता है, मजाक बनाया है। अलीगढ़ में दुकान पर बैठे लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ताबड़तोड़ फायरिंग और हत्या की इस वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। अगला दरबार गांव पड़ता है, वहां पे पारिवारिक रंजिश है, पुराना इनका विवाद चला आ रहा है। उस चक्कर में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के ऊपर आक्रामक होकर के उसके गोली मार दी गई थी। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें 4 टीमें हमने तत्काल घटित कर दी हैं, जल्दी घटना का अनावरण करने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई प्रचलित कर दी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभी नहीं है, अभी तक तो सूचना मिली है, जल्दी टीमें घटित है, जल्दी अरेस्टिंग करते हैं। पारिवारिक मामला है, पारिवारिक विवाद है, दोनों सगे मतलब अपना चाचा ताऊ के लड़के लगते हैं। इनमें पहले भी घटना हो चुकी है, 2010 में एक घटना सामने आई है, उसी के रंजिश के चक्कर में घटना हुई है। एटा जिले में खुलेआम सट्टे का कारोबार चल रहा है। घर में चल रहे सट्टे का वीडियो भी वायरल हुआ है। 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। निधौली कला कस्बे में सट्टे का कारोबार चल रहा था। आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से सट्टे का कारोबार चल रहा है।
इटावा में ऐतिहासिक काली वाहन मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। मंदिर प्रबंधन ने इसको लेकर मंदिर परिसर में कई पोस्ट भी लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि कोई भी श्रद्धालु हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और कटी फटी जींस पहनकर मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के लिए ना आए। सभी श्रद्धालुओं से मर्यादित कपड़े पहनकर आने का अनुरोध भी किया गया है। झांसी में एक बार फिर से तालाब में मगरमच्छ देखने को मिला है। गरौठा तहसील के कुरैठा गांव की तस्वीर बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर गांव पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पिंजरे में कैद कर लिया है। जिस समय वन विभाग के कर्मचारी मगरमच्छ को पिंजरे में कैद कर रहे थे, उसी दौरान एक और भारी भरकम मगरमच्छ तालाब पे दिखा है। वन विभाग की टीम अब दूसरे मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिशों में फिलहाल जुटी हुई है। अमरोहा से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर घायल हुआ है। बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो बदमाश फरार हो गए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर लूट, गौकशी, चोरी जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। अमरोहा के थाना सैद नगली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बस्ती के छावनी थाना के एनएच 28 पर चोरों के गैंग के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये लोग कावड़ियों के बीच भेष बदल कर चोरी करते थे। पकड़े गए चोरों के पास एक गांजा, चोरी की साइकिल, मोबाइल, तांबे का तार बरामद हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को जेल भेज दिया है। इनका नाम विनय कुमार और दूसरे का नाम रोहित कुमार पुत्र रामचंद्र, दोनों निवासी हरिया के राजघाट के रहने वाले हैं और इस संबंध में पूर्व में चोरी की जो सूचना थी उस पर मुकदमा थाना स्वामी पर 387 IPC का दर्ज हुआ था और इस बरामदगी के आधार पर डिप्टी साइड में मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों गिरफ्तार चोरों को नियमानुसार मनी एयर सौंप दिया जा रहा है।